अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ए लड़की, तुम कहां जा रही हो? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हाँ, कहीं तुमने तो नहीं चुराया ना पैसे? आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं, शक्ल से तो बड़े भोले दिखते हैं और अक्ल से बहुत शातिर। नहीं नहीं, हम तो यहाँ बस फाइल देने आए थे। फाइल देने आई थी तो अब तक यहाँ पे क्या कर रही हो? बहुत देर से हम तुमको यहाँ पे मटराता हुआ देख रहे हैं। अंकल जी, हम सच बोल रहे हैं, हम चलते हैं। दुनिया का सिद्धांत है, नौकर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मालिक के पैसे से उसकी नजर कभी नहीं हटती। और तुम भी तो इन नौकरों जैसी इनकी नौकरी तो हो। ये घर की साफ सफाई करते हैं और तुम शायद तिजोरी की। भाई साहब, मैं तो कहती हूं कि इसकी बैग की तलाशी लीजिए। ए, बैग खोल अपना। नहीं अंकल जी, क्या हमने नहीं की है चोरी? नहीं नहीं, ये तो छाया की लड़की है, ये ऐसा क्यों करेगी? भाभी जी, आप बहुत बोलिए। आपको पता नहीं, पैसों के सामने बड़े बड़े संस्कारी मक्कारी बन जाते हैं। और हमें तो पूरा यकीन है कि पैसे इसी लड़की ने चुराए हैं। भाई साहब, हम तो कहते हैं आप पुलिस को बुलाइए। पुलिस जब अपनी तरीके से पूछताछ करेगी ना, तो ये लड़की यूं सच उगल देगी। पुलिस? नहीं नहीं अंकल जी, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। अगर हमारे मम्मी पापा को पता चल गया तो वो बहुत डांटेंगे। हम सच बता रहे हैं आपको, हमने नहीं चुराए पैसे। हमने नहीं चुराए पैसे बेटा, ये तो हर एक चोर का तकिया कलाम होता है। हम 5 तक गिनती गिनेंगे, सच बता दो वरना जेल की हवा खिलाएंगे तुम्हें। कान्हा जी, अब आप ही कुछ कीजिए, हम नहीं बता सकते हैं कि पैसे पार्थ ने लिए, नहीं तो उन्हें बहुत डांट पड़ेगी। ए, अब क्या करें हम? तो सच बता दो लड़की, पैसे कहाँ है? हमने पैसे नहीं लिए, हम सच बता रहे हैं। झूठ! ये हमारा फोन नहीं उठा रही है। तुम बिना वजह ही परेशान हो रहे, वो आ जाएगी। कैसे बाप हैं आप? कौन बाप इस तरह अपनी बेटी को जानबूझ के खतरे के मुंह में भेजता है? आप अच्छे से जानते हैं कि कल वो गुंडा लड़का ऐसे बाजार में सरेआम मारपीट कर रहा था और आज आपने अपनी बेटी को फाइल लेके उसके घर भेज दिया, ऊपर से हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। राम, हमें तो लग रहा है किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। छाया, तुम बिना वजह ही इतना परेशान हो रही हो। माना उनका लड़का लड़ाकू जरूर है, लेकिन पागल थोड़ी ना है जो बिना बात के मीरा से कुछ भी बोले। और वैसे भी मीरा उस लड़के से मिलने नहीं बल्कि मदन जी के पास गई थी, वहां उनका पूरा परिवार है। अभी मीरा से कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी, मीरा अब तक वहां से निकल चुकी होगी। निकल चुकी होगी? फाइल लेके आने में इतनी देर थोड़ी ना लगती है। देखिए, अगर कुछ मिनटों में हमारी बेटी घर नहीं पहुंची ना, तो हम खुद उसे लेने जाएंगे।
क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हें नहीं पता पैसे कहाँ हैं? पार्थ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अच्छे से जानती है पैसे कहाँ हैं। हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, हमारे पैसे किसने लिए? किसने चुराए हमारे पैसे? हमने। पार्थ? क्या? मतलब अपने ही घर में चोरी? चोरी? अरे अपने पापा की अलमारी से पैसे निकालने को चोरी कब से बोलने लगे? जरूरत थी तो ले लिए पैसे। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें बिना बताए तुम्हें पैसे निकालने पड़े? अरे बात आपको बताएं, जरूरी तो नहीं है ना। अच्छा, कहीं इस बार फिर से उस दो कौड़ी की लड़की पायल पे तो पैसे नहीं उड़ाने? पायल हमारी जिंदगी है, उसके खिलाफ एक शब्द भी मत बोलिएगा। अगर तुम्हारी जिंदगी है, अगर उस पर पैसे उड़ाने का इतना ही शौक है ना, तो खुद पैसे कमाओ। ये मेरी मेहनत की कमाई है, उस दो कौड़ी की लड़की पर उड़ाने के लिए नहीं, समझे? आप हमारे पापा, इसलिए चुप है। वरना क्या हाथ उठाएगा, अपने बाप को मारेगा। ऐसा प्लीज, वैसा शांत हो जाइए। पार्थ बेटा, जब से पैदा हुआ ना, उस घर का चैन खा गया। आप शांत हो जाइए, हम पार्थ से बात करेंगे ना। आप चलिए अंदर। पार्थ, कैसे बात कर रहे हैं तू पापा से? हाँ साहब, भाई साहब, पार्थ को मैं समझाऊंगा, प्लीज आप शांत हो जाइए। अरे हरप, हमारे बगैर एक पैसे की औकात दी तुम्हारी। अरे तुमसे बेहतर तो जानवर होते, हम तो वफादार तो होते, तुम तो वफादार भी नहीं हो। वफादारी की बात तो मत कीजिए पापा जी। जिन वफादार नौकरों से आपकी शानो शौकत है ना, आपने तो उन पे भी शक कर लिया। पार्थ, पैसा कमाने का तेज दिमाग भले ही हो आपके पास, लेकिन इंसान को परखने का सच्चा दिल नहीं है आपके पास। और हमें गर्व है अपने आप पे कि हम आपसे बेहतर हैं, हमारे पास सच्चा दिल है। पार्थ, तभी से बात कर पापा से। और हाँ, आप तो इस लड़की की भी तलाशी लेने वाले थे ना। हाँ, आप हमें कहते हैं ना कि हमने मोहल्ले में आपकी इज्जत डुबो दी। हमने नहीं, आपने अपनी इज्जत खुद डुबोई है अपनी इन हरकतों की वजह से। और एक मिनट भैया, और तुम अपने मुंह में अगर आवाज रखती हो ना, तो अपने हक के लिए बोलना सीखो। ये रोना गिड़गिड़ाना कायरों की पहचान होती है, समझी? बात कर। अगर हमें पता होता ना कि हमारी पैदाइश गई है ना, नतीजा होने वाला है, तो तुम्हारा गला दबा देता पैदा होते ही। बस बस करो आप, ये हमारा घर है, अखाड़ा नहीं है। जब देखो तब चिखना चिल्लाना, एक पल तो मेरी लल्ला को चैन की सांस लेने दो। महारानी का फोन भी बंद आ रहा है, बस और इंतजार नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं उसे लेकर। छाया, छाया सुनो, क्या हो गया तुम्हें? एक तो हर 3 सेकंड में तुम उसको कॉल लगा दे रही हो सकता है मोबाइल बंद हो गया हो। थोड़ा संयम रखो भाई, आ जाएगी। आपको आपकी बेटी की सीना से भी चिंता नहीं है? किसने बोला मुझे चिंता नहीं है? चिंता है लेकिन भरोसा भी है, आ जाएगी वो। अच्छा ठीक है, अगर 10 मिनट में नहीं आई वो, तो हम खुद जाएंगे लेने।
हम तो सिर्फ आपको बचाना चाहते थे पार्थ। हमें डर था कि अगर हम आपका नाम ले लेंगे तो अंकल जी नाराज हो जाएंगे और आपको बुरा लगेगा, लेकिन हम आइंदा कभी सच नहीं छुपाएंगे। दीवानी सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।